बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन जी, हमारे बीच में मौजूद जिला अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी, बीएसपी के जिला अध्यक्ष भाई आशीष मेहरा जी, मंच पर विराजमान हमारे चारों हल्का के अध्यक्ष मास्टर राजीव जी, महावीर शर्मा जी, संजय दलाल जी, मोहम्मद ठेकेदार जी, बसपा के अध्यक्ष भाई कृष्ण जी, अनिल जी, प्रवीण जी, प्रदीप जी, तमाम अलग अलग सेलों में नाम लूंगा। पहले आप लोगों को बहुत देर हो चुकी है, वरिष्ठ पदाधिकारी और आज संयुक्त बैठक में आए बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी, पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि छोटे से निमंत्रण पर चार दिन पहले इस मीटिंग को रखा गया। आपने एक एक कार्यकर्ता तक दोनों पार्टियों ने संदेश पहुंचाकर आज इस बैठक को ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया। पर साथियों, जब ऐतिहासिक स्वरूप की बात करते हैं तो मीटिंगों से राज नहीं बढ़ेगा। अगर राज बनाना है तो जैसे एक और एक को साथ खड़े करके जोड़े वाला साइन मत करो, जोड़ोगे एक और एक को तो दो हो जाएगा, और एक को साथ खड़ा करोगे तो 11 दिखेगा, 11 की ताकत बढ़ने का काम करेगा। इसलिए आज आपसे निवेदन करते हैं कि अब जो ये समय हमारे बीच में लिमिटेड बचा है, अब हम सब की जिम्मेवारी ज्यादा है कि एक एक साथी आज से मैदान में उतर कर घर घर जाकर, गांव गांव जाकर स्वर्गीय चौधरी देवीराज जी, स्वर्गीय काशीराम जी की नीतियों को बताए। वही अपने संगठन के मुखिया बहन कुमारी मायावती और साथ में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के प्रति जो लोगों का प्यार है लगा, उसको मजबूती से जोड़े। साथियों, 45 दिन बाद हमारे बीच में चुनाव, और 45 दिन का मतलब है कि हमें दिन रात एक कर पूरी निष्ठा से, लगन से, एक सोच के साथ समर्पित भाव से आगे बढ़ना और एक ही लक्ष्य लेकर चलना और लक्ष्य इस नारे में समझ लेना कि किसान को मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। साथियों, हमारा लक्ष्य चंडीगढ़ है, जहां हमें किसान और कमेरे को वो ताकत देनी है, वो जगह देनी है कि उसका अधिकार बढ़े, कि वो जाकर सेक्रेटरीट के चौथे माले पर भी जाकर अपने काम कराने के दम रखने का काम करेंगे। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि दो दिन पहले आपके यहाँ यात्रा आके गई, आज मैं देख रहा था बिजली के खंभे कम थे और उस पर होर्डिंग ज्यादा थी, और तो ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री जी की विधानसभा में भी नए कैंडिडेट उठ गए, और ये हालात धनखड़ विधानसभा की देखी मैंने तो आज कि ऐसे ऐसे लोगों ने होर्डिंग लगा दिए जिनने जिंदगी में कभी बात पीछे नहीं लगाई, और सबके नीचे बाबी विधायक, इनकी हालत तो ये होगी एक अनार 100 बीमार। अभी पीछे जींद में रैली हुई, अमित शाह दिया है, हरियाणा की संस्कृति में मेहमान आता है तो पगड़ी देते, कुरुक्षेत्र साइड चले जाओगे तो रथ देंगे क्योंकि महाभारत की धरती, ज्यादा कल्चरल कोई बनेगा तो किसान है तो हल दे देगा, और हल के साथ साथ अगर कोई अपनी बेल्ट में आ जाए और कोई शौकीन सा ग्रामीण है तो हुक्का दे देगा।
मेरे इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वीरेंद्र सिंह जी ने लठ दिया, और वो लठ ऐसा दिया 48 घंटे बाद कैथल की धरती पर बीजेपी आपस में लठक लठ हुई थी। और वो लठक लठ केवल मात्र कैथल में नहीं, आप देख लेना अगले 45 दिनों के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में होती दिखाओ। ये हालात हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, जिस स्पीड से लोग गए उससे दुगनी स्पीड से भागने का काम करें। मगर साथियों, आज इन सत्ता में बैठे लोगों से पूछने का काम करो कि इस यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा रखा। ये आशीर्वाद किस चीज का लेने का काम कर रहे हैं? 80 लोगों की जान लेने का, 3 बार हमारे प्रदेश को जलाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का, रेप की घटनाएं बिहार से ज्यादा करवाने का। बुजुर्ग युवा साथियों, आज ऐसी हालात इनने प्रदेश की बना दी कि दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में 1 मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती होती, बेरोजगारी की हालत है कि कल एसटी और एंट्री का की लिस्ट आउट हुई, 80 एसटीओ लगे। आप सोचते हो 80 एसटीओ के अंदर हरियाणा प्रदेश के कितने हो? 80 में कोई 40 कहेगा, कोई 50 कहेगा। ये दुख होता है हरियाणा डोमिसाइल के, इस खट्टर सरकार ने 80 एसटीओ में केवल मात्र 2 वाड़क लगाने का काम किया। 78 धारे नहीं थे, कोई पटेल है कोई कुछ है। बुजुर्ग युवा साथियों, ये देखो समझो कि आज हमारे बच्चों का अधिकार, जहां जमीन हमारी, बिजली हमारी, रोजगार हमारा होना चाहिए था, वहां इस खट्टर की सरकार ने हमारे अधिकार को भी छीनने का काम किया। यह आपका गठबंधन वादा करता है हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाओ, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी पहली कदम से कानून पारित करके 75% अपने बालकों की हिस्सेदारी जाने का। आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें, मेरे ताऊ बैठे सारे 2-3 महीने तक आज इनको पेंशन प्राप्त नहीं होती, और उसके बाद भी बैंक में चले जाओ तो मैनेजर कहते हैं बाहर इंतजार कराओ, पहले हम और काम निपटा ले फिर बुजुर्गों को पेंशन बांटे। बुजुर्गों युवा साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसका नाम सम्मान पेंशन रखा था कि बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, पर ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिसने सम्मान पेंशन को अपमान पेंशन बढ़ाने का काम किया। पर ये वादा आपके संगठन का है, गठबंधन का है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार बनते ही जहां बुजुर्गों को पेंशन जैसे चौधरी देवीलाल जी घर बैठे दिया करते थे, मेरी माताओं को 55 साल की उम्र में और बुजुर्गों को 58 साल में घर बैठे दोबारा देने की व्यवस्था बनाने का काम। बुजुर्ग युवा साथियों, आज मुख्यमंत्री को देखो, शकल ऐसी बना लेगा जैसे इससे सूदा आदमी ना। धनखड़ को देखो, पिछले दिनों घमंड इतना बढ़ गया था, कहता सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल से बड़ा किसान नेता। धनखड़ जी कभी बैल लेके भी खेत में चले, इन लोगों के लिए तो एक कहावत सटीक बैठती है कि शुद्ध छिपकली मच्छर गड़े खावे। 5,000 करोड़ रुपया दादरी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के अंदर खदानों में खाने का काम इनकी सरकार ने, और ये मंत्री संतरी जो बैठे कोई सुधा नहीं है, वो 5,000 करोड़ में भी इनकी हिस्सेदारी है इनके भाई भतीजे।
बुजुर्गों युवा साथियों, हजार करोड़ रुपए किलोमीटर स्कीम में खा गए, जिसके अंदर इनने खुद माना हाईकोर्ट के अंदर जाकर के हजार करोड़ का घोटाला हो। साथियों, ये बिजली के मीटर जो घर के बाहर खंभों पे लगाए जा रहे, 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला इसके अंदर। और तो और, नेत्राम जी बता रहे थे अपने संबोधन में कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो उसको शिक्षा के अधिकार से दूर करो। नेत्राम जी, ये वो लोग हैं जो हमारे एससी एसटी भाइयों बहनों के छात्रवृत्ति तक को खा गए। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात, जो वजीफा मिलता था, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, आज इन लोगों ने उसको भी छोड़ने का काम नहीं किया। झज्जर जिले के अंदर 4.5 करोड़ रुपए एससी एसटी स्कॉलरशिप खाने का काम इनकी सरकार ने किया। बुजुर्गों युवा साथियों, आज तय जीएसटी घोटाला हो, हर प्रकार से इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, पर मौका सुनहरा आपके हाथ में, इसको चुको ना। इस बार कमेरे को, किसान को एक होकर लड़ना पड़ेगा और एक होकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की रूपरेखा को और तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी पहली मजबूत नींव 25 सितंबर को होने वाले जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जहां हर वर्ष सम्मान दिवस समारोह मनाने का काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि उस सम्मान दिवस समारोह को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर प्रदेश के अंदर एक ऐसी मजबूत नींव रखे जो नींव इस प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। मैं तो आपसे यही विनती करता हूं कि जहां आज बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी आए, यहां जनपा का चुनाव चिन्ह चापी आए। साथियों, हमने एक चीज देख ली कि हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और बहन कुमारी मायावती जी को अपना वोट, उस सोच को अपना वोट जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और माननीय काशीराम जी की, जो दलित को, पिछड़े को, छोटे दुकानदार को, कमेरे को, किसान को, मजदूर को आगे लेकर चले, उसको समृद्ध बनाए, उसको हम सब लेकर आगे बढ़े और एक एक वोट हमारा इस गठबंधन के पक्ष में डालने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, क्योंकि आगे रोहतक की भी मीटिंग है, समय आपको भी बहुत हो गया, 12 बजे का था, लगभग 3:30 हो गया, ज्यादा समय मैं भी नहीं लूं, पर यही अपील करूंगा कि अब किसान कमेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा और चंडीगढ़ पर फतेह करने के लिए अपना दिन रात अगले 45 दिन समर्पित भाव से इस गठबंधन के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत से लगाना पड़ेगा। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।